कृष्ण की तरह बांसुरी पर मधुर तान छेड़ी। इसके बाद तेज प्रताप वृंदावन दर्शन के लिए निकले। उन्होंने इसका वीडियो फेसबुक पर लाइव अपडेट किया। वृंदावन में ब्रज दर्शन के दौरान तेज प्रताप ने कालीदेह, चीरघाट, निधिवन और यमुना महारानी का भी भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को पवित्र स्थलों की उचित देखभाल और उचित सफाई व्यवस्था की नसीहत भी दी। निधिवन है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण रात में और राधा जी रास करते हैं। यही वो जगह है जो पूरे विश्व में विख्यात है निधिवन के नाम से। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में महाराज लीला करते हैं। ये स्वामी हरिदास जी की तपस्थली है। जो श्री कृष्ण ने 5000 फूल जो किया वहाँ पे, जो लीला उन्होंने किया था, जैसे भोजन थाली शाम में जब ग्वाल बाल एक साथ बैठते थे तो जैसे हम लोग स्कूल में कैसे टिफिन शेयर करते हैं, तो उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल, उनके गोप सखा तमाम लोग बैठ करके वहाँ पे भोजन थाली में, और अपने आप पत्थरों में भोजन थाली बना हुआ है, थाली और प्लेट ये सब।